चाहिए। हमारे पास फोन है, मॉडल क्या है? Y81। मसला ये है, थर्मल का मसला है। थर्मल के मसले पे काफ़ी वीडियोज हमने बनाई। ये फ़ोन जो है ना, इसमें काम बहुत ज़्यादा हुआ है। अब देखो, ये चार्जिंग आ गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद एरर। देख रहे हो एरर? इसे एरर पे पहले से वीडियोस है बहुत सारे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला और है। इसमें अगर देखा जाए ना, पीछे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ, पीछे क्लियर नहीं है तो उसे क्लियर। इसमें मसला ये है कि यहाँ भी तो स्ट्रिप लगा है, लेकिन नीचे बिल्कुल स्ट्रिप ही नहीं है। देख रहे हो? वो स्ट्रिप पता नहीं बीच में इन्होंने क्या कर लिया, खा लिया है, क्या कर लिया है, देखते हैं। स्ट्रिप का यही हाल है, देखो स्ट्रिप यहाँ पे, ये हाल है। और जंप रिंग बहुत सारी की है इसमें, बहरहाल जो भी किया है कारीगर ने अच्छा ही किया। चलो यहाँ पे एक जंपर ये हो गया, एक ये हो गया, ये मेरा ख्याल में माइनस वाला है, ये निकल गया, दोबारा लगाते हैं। बैटरी हमने ओपन कर ली, तो ये एक प्लस से लगा दिया गया है, दूसरा माइनस से मेरे ख्याल में लगा दिया गया है। अपना तजुर्बे इसमें किया है। माइक के लिए इसमें तो जंपरिंग नहीं की गई है, बहरहाल रिंगर के लिए जंपरिंग की गई है। और ये एक लाइन चार्जिंग प्लस के लिए शायद दिया गया है, बहरहाल बहुत अपना कारीगर इसमें किया है। तो इसको हम आज रिपेयर करते हैं। यहाँ पे इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया तारीफ भाई कि इसका थर्मल का से कहाँ तक होता है जी, बिल्कुल सर, और उसकी कंडीशन किस तरह होती है। तो उसी वीडियो, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो। इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर पॉइंट यार है, यहाँ पे हमारे थर्मल वाले वोल्टेज आती थी जो कि 1.6 तक वोल्टेज था। यहाँ पे मैं चार्जर लगाता हूँ, बीस डी सी भी कर लो मीटर, इस तरह करो, इसके प्रॉप निकाल के इस पे लगा, इसके प्रॉप निकाल के यहाँ पे लगा, क्योंकि ये मीटर कुछ खास पसंद नहीं है। तो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ से नीचे का लाइन ब्रेक था, तो उसमें आरिफ भाई ने एक जम्पर लगाया था। इस वीडियो में अगर देखा जाए तो यहाँ से पूरा थर्मल ही रहा है, देख रहे हो, और थर्मल रेजिस्टर ही नहीं है। तो इसके लिए अभी हम करेंगे क्या कि एक नॉर्मल रेजिस्टर इसी में लगाएंगे, सही है? तो नीचे अगर लगाएंगे तो फिर हमें जंपरिंग करना पड़ेगा, इसलिए हम सीधा यहाँ पे एक नॉर्मल रेजिस्टर लगाते हैं, जिसका जो हमें इसका वैल्यू क्या कम करके दे रहे। तो देखते हैं, 1.6 इनपुट आ रहा है, तो हमें कितना कम करना है, 0.46 तक देखते हैं। मैं डिवाइड करता हूँ कितना रजिस्टर हमें चाहिए, निकाल सकते हो ना, कैलकुलेटर आपको दिया? यस सर जी। नॉर्मल हमारा थर्मल रजिस्टर होता है 100K का, तो यहाँ पे ढूंढते हैं 100K का रजिस्टर हमें कहीं पे मिलता है कि नहीं। ये हमारे पास बोर्ड है J320, J320 का मेरे ख्याल में लेआउट ओपन था, हाँ बिल्कुल ये है J320, ये लेआउट, ये स्कीमेटिक्स यहाँ पे लिखेंगे 100K। नेक्स्ट करते हैं, ये एक रजिस्टर यहाँ पे लगा है, 100K का एक रजिस्टर लगा है, देख रहे हो? यस सर। इसको हम निकालते हैं, देखते हैं बोर्ड में है कि नहीं। कोड कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ये रजिस्टर लगा हुआ है। और बहुत सारे बेसिक स्टूडेंट हमारी वीडियोस भी देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, इस फोन में हमारे थर्मल का रजिस्टर, थर्मल का सर्किट पीसीबी में ही फिट है। इसमें 6357 सीआरवी आईसी लगी है, इसमें एक पिन है R13 नंबर, इससे इसका लाइन निकलता है। और एक सीरीज में यहाँ पे रजिस्टर, दूसरा नीचे पीसीबी में पैरेलल में थर्मल रजिस्टर, तो इसी के जरिए हमारे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और वोल्टेज 1.8 से डिवाइड हो जाता है 0.4 से लेकर 0.9 तक,
डिवाइडर के हिसाब से, और आईसी को पता चलता है और इसी से हमारा सर्किट ऑन हो जाता है। अब इसमें ये सर्किट गायब है, ये हमने थर्मल की जगह नॉर्मल लगाना है और ऊपर पीसीबी में लगाना है, सही है। ये जैसे ये लाइन यहाँ पे आया है बी टू बी के पास पे, यहाँ पहले नंबर पिन पे कनेक्ट है और यहाँ पे दूसरे नंबर टीपी से कनेक्ट है, तो हम यहाँ पे ही अपना सर्किट बनाने वाले हैं। तो हमने 100K का रजिस्टर सर्च किया है, देखते हैं इसी से काम होता है कि नहीं। बर्दियों से हमने सर्च किया, हमारा मोड चेंज करो उसका, माइक्रोस्कोप पे लगा सर, माइक्रोस्कोप लगा लिया। मतलब इसके साथ ये लगाना पड़ेगा तभी ग्राउंड, ग्राउंड तो इसके बगैर मिल सकता है शायद, ये हमारा जो जम्पर है वो निकल गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा के फोन इस तरह है कि एक जगह सही करो दूसरा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक नुकसान हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो 5 वोल्ट मिलेगा तभी हमारा सर्किट वर्क करेगा। बिजली से भी 5 आ रहा है और यहाँ पे कितना है 1.1 जी मतलब रजिस्टर की वैल्यू हमें थोड़ी डाउन करनी पड़ेगी। बहरहाल पहले चेक करते हैं, पहले 1.6 था, उसी से क्या हो गया थोड़ा सा कम हो गया। अभी देखते हैं, काम नहीं हुआ तो इसके जगह हम 5K वाला 50K का लगाने वाले हैं। अभी देखते हैं कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन हो तो 100K की जगह हम 50K फिर लगाने वाले हैं। यस सर, क्योंकि वोल्टेज को फिर हम और भी डाउन करने वाले हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। देखो क्लियर हो गया सही है, और ये हो गया 0.6 एम्पेयर भी बराबर कह रहे हैं, प्लेयर है। असल में हमने लगा लिया थर्मल की जगह नॉर्मल लगा लिया और नुकसान भी साथ में आपको बता दिया, नुकसान क्या होगा पीसीबी की सेफ्टी खत्म हो जाए, लेकिन इस बेचारे की ऑलरेडी सेफ्टी क्या है खत्म है, जिसको हमने क्या सेफ्टी दे दी, तो थर्मल की जगह हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं, सही है। हमने सिर्फ वो वोल्टेज कम करके आईसी को बताना है कि नीचे से सर्किट आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, एक तरीके से आईसी को हमने धोखा देना है कि नीचे सर्किट आपका मुकम्मल है, हालांकि नीचे सर्किट मुकम्मल ही नहीं है इसका, बिल्कुल वो स्ट्रिप जो है ना आधा टूट गया, आधा स्ट्रिप है ही नहीं, लेकिन बारह त्यूरी से इंसान के जहन में थोड़ा सा वो तो काम अपना चला सकता है, सही है। तो मजा आया अरे भाई, कुछ समझ में आया, आपकी किस्मत अच्छी है, थर्मल के सर्किट में 3-4 फोन आ गए थर्मल सर्किट हो गए क्लियर आपका बिल्कुल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।